हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी टिकट तो बुक करना जानते ही होंगे, लेकिन बिना पासवर्ड के नहीं। अब आप बिना पासवर्ड के सिर्फ अपना वॉइस से अपना टिकट बुक कर सकते हैं इजीली। जी हाँ दोस्तों, IRCTC ने ये नया अपडेट अपना ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया है। इसके द्वारा आप सभी अपना टिकट बहुत ही आसानी से बुक कर सकते हैं। तो चलिए Ask Disha 2.0 को यूज़ करके देख लेते हैं। सबसे पहले IRCTC.co.in या IRCTC ऐप पर लॉगिन करें। इसके बाद नीचे कॉर्नर में आपको चैट आइकॉन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको वहां पे टाइप हियर या उसके बगल में माइक का ऑप्शन दिखेगा। आप अपने माइक पर क्लिक करके आप अपने साउंड से बोल सकते हैं या टाइप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू बुक जनरल टिकट फ्रॉम LTT टू हावड़ा। जरूरी नहीं कि आप टाइप करें, आप माइक ऑप्शन पर क्लिक करके बोल भी सकते हैं। इसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर डालकर सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का OTP आएगा, उसको फिल करके वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं OTP वेरीफाई कर चुका हूँ। इसके बाद आप देख पा रहे हैं, प्लीज़ प्रोवाइड योर नेम, इसमें आपको अपना नाम डालना है। अगर आप फर्स्ट टाइम Ask Disha 2.0 पर लॉगिन करते हैं तो आपसे ये पूछा जाएगा, तो आप अपना फुल नेम डालकर सबमिट नेम पर क्लिक करें। जैसे कि मैं क्लिक कर चुका हूँ, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ जर्नी, उधर से मैं से दिशा क्वेश्चन कर रहा है कि आपका जो जर्नी डेट होगा कौन सा तारीख पर होगा। तो मैं अपना जर्नी डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अपने जर्नी डेट सेलेक्ट करने के बाद सर्चिंग ट्रेन हो रहा है, सर्च हो चुका है। जैसे कि हावड़ा दुरंतो, गीतांजलि एक्सप्रेस, LTT शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस, सारा बहुत सारा ट्रेन का फाइल खुल चुका है जो कि मेरे को प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें मैं अपना ट्रेन चूज कर चुका हूँ। इसके बाद कंफर्म बुकिंग पर क्लिक करता हूँ। कंफर्म बुकिंग पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये हमारा यूज़र आईडी, IRCTC यूज़र आईडी मांग रहे हैं, जो कि हम लोगों के पास ऑलरेडी होता है। तो वो यूज़र आईडी टाइप करके इसमें वेरीफाई करना है। जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ, टाइप करने के बाद मैं वेरीफाई कर चुका। वेरीफाई करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जो कि इसमें आपका लिखा हुआ है एड न्यू एडल्ट। इसका मतलब अपना नाम इंटर करना है, नाम और एज। तो चलिए नाम और एज फिलअप कर लेते हैं। जैसे कि मैं नाम और एज फिलअप करके ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर रहा हूँ। ऐड पैसेंजर पर क्लिक करने के बाद हमसे अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, जो कि मैं रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाल के वेरीफाई कर चुका हूँ। यस आई अंडरस्टैंड, इस मेरा ईमेल आईडी। इसके बाद अपना पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। कन्फर्म बुकिंग पर क्लिक करके पे ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्ले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपसे कैप्चा पूछा जाएगा। कैप्चा पर क्लिक करते ही आपको QR कोड का ऑप्शन दिया जाएगा, भीम UPI का ऑप्शन दिया जाएगा, नेट बैंकिंग का ऑप्शन। इस तरह से आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। बुकिंग के अलावा आप PNR स्थिति, सीट उपलब्धता, बोर्डिंग स्टेशन बदलना, टिकट कैंसिल करना, धन वापसी की स्थिति चेक करना, ई टिकट देखना, ERS डाउनलोड करना, यहाँ तक कि आप दिशा से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि तत्काल समय या कुछ भी। आप दिशा से हिंदी और इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा यह जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा नेक्स्ट अगला वीडियो आप तक पहुँच सके।